नमस्कार। आज मैंने बाहर गया इसलिए इतना टाइम लगेगा कि एक वीडियो हिंदी में बनने के लिए टाइम लगा है, इतना टाइम लगा है। और मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाया कल का समाचार में थोड़ा पढ़ाया, इसलिए मैंने क्या करेगा अभी, मैं बाइबल से, पवित्र बाइबल से पढ़ूंगा। कल का सुसमाचार में यीशु हमें बता रहा है कि यीशु उसको शिष्यों ने उनके शिष्यों ने उनसे कहा, यीशु से कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे, अकेला छोड़ दोगे, फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि पिता मेरे साथ है। यीशु के शिष्यों यीशु के शिष्यों यीशु ने छोड़ दोगे यीशु के यीशु यीशु को अकेला छोड़ छोड़ दोगे, लेकिन यीशु अकेला नहीं है बल्कि पिता यीशु का पास है, यीशु यीशु के साथ है, यीशु यीशु के साथ है। इसलिए यह संदेश हमको भी है, यीशु हमारा साथ है, यीशु हमारा साथ है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, यीशु को क्या पसंद है, हम में से क्या पसंद है, हम क्या बात करने के लिए यीशु के पसंद है, क्या करने के लिए यीशु के पसंद है। सब कुछ हर रोज करने के लिए कोशिश करो, यीशु का कुछ अच्छा सब दूसरा लोग को बोलिए, यीशु को बोलिए, यीशु को बारे में यीशु सब कुछ जैसा करते हैं यीशु हमारे पास है, यीशु हम में से खुशी हो गया है। इसलिए हर रोज कोशिश करो यीशु को क्या सब पसंद है हम में से, और यीशु को क्या काम पसंद है हम में से, ऐसा बात करो, ऐसा काम करो। शुक्रिया।